मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के दौरे पर हैं, सीधा रुख करते हैं उनके इस कार्यक्रम का। तो मुख्यमंत्री का ये काफिला, सीएम भूपेश बघेल का ये काफिला पहुंचा हुआ है दंतेवाड़ा। तो ये सीधे तस्वीरें आप देखिए, तो कार्यक्रम में शिरकत यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को करनी है, उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम बघेल। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दंतेवाड़ा की। तो दंतेवाड़ा को सीएम बघेल की बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। तो छिंदनार पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किया, कई और विकास कार्यों का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। तो दंतेवाड़ा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक बड़ी सौगात, सीएम बघेल की बड़ी सौगात, यहाँ पर छिंदनार पुल का उद्घाटन किया है। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कई और विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा को सीएम बघेल की बड़ी सौगात। सीएम बघेल ने छिंदनार पुल का उद्घाटन यहाँ पर किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुखातिब हुए मीडिया से, आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। और भी बहुत सारे नाले हैं जिसे गंदे पानी इंद्रावती ले जाते हैं, सबकी भावनाएं इंद्रावती से जुड़ी है। और इसलिए पिछले समय जब मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जब यहाँ के साथियों ने, विधायक ने, सांसद ने कई बात की थी, इसलिए जगदलपुर के बहुत जरूरी है और रिकॉर्ड टाइम में ये स्थिति होना है। उसके लिए सभी हमारे इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी सबको बधाई देता हूँ, प्रतिनिधि को बधाई देता हूँ, जिसके सतत प्रयास से ये संभव हुआ। और शहर में भी गंदगी से निजात मिलेगी। जलपत सागर हमारा गौरव है, मदद मिलेगी, साथ ही इंद्रावती में भी स्वच्छ जल भी प्रवाह होगा गंदगी है। सर दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार पुल जो बना बहुत ही प्रसन्न है जी, इसके बारे में जी। छिंदनार जो पुल है लंबे समय से मांग थी और उससे उसके बनने से अब मांग का एरिया है, उसमें आवागमन की सुविधा, साथ ही विकास के जितने भी शासकीय योजनाएं हैं उसका लाभ चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आज पुल का उद्घाटन किया और उसके बाद और क्या कार्यक्रम थे वो सब कुछ उन्होंने जानकारी दी और क्या योजना है उसकी जानकारी दी।